ओरिजिनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। ओरिजिनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन एक पहल है परमानंद आयुर्वेदा की, जिसके माध्यम से हम आपको गंभीर घातक बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान आप तक पहुंचा पाते हैं। हमारा प्रयोजन आयुर्वेद को अपनाना सरल और आसान बनाना है, जिसके अंतर्गत ही ये पहल है ओरिजिनल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। हम यहाँ पर वही उपचार और वही समाधान बताते हैं जो कि पूर्ण रूप से प्रमाणित होते हैं और जिसे हमारे अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा खरा पाया गया है। तो चलिए जानते हैं आज के विषय के बारे में। पापचिनी और कपूर के प्रयोग से बनाई जाने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्वप्न दोष हारी टैबलेट स्वप्न दोष को दूर करने के लिए है। स्वप्न दोष को वीर्य पतन, नाइट फॉल आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें नींद में ही वीर्यपात हो जाता है। यह बहुत गंभीर समस्या नहीं है। यह किशोरों नवयुवकों में शादी से पहले अक्सर पाई जाने वाली समस्या है। वीर्यपात होने का यह भी संकेत है कि युवक की पौरुष ग्रंथि विकसित हो गई है। नवयुवकों में वीर्य की मात्रा अधिक होती है और वह शुक्र कोष में समा नहीं पाता, जिससे स्वप्न दोष के जरिए स्वतः ही वीर्यपात हो जाता है। स्वप्न दोष स्वस्थ और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर पुरुष के साथ कभी न कभी होती है। स्वप्न दोष शादी के बाद ही जड़ से खत्म होता है। यदि यह सप्ताह में 2 से 3 बार हो तो कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन यदि यह हर रोज होता है तो इसका इलाज जरूर किया जाना चाहिए। स्वप्न दोष के इलाज के लिए आवश्यक है विचारों का पवित्र होना और इतना परिश्रम करना चाहिए कि गहरी नींद आ जाए। जिन कारणों से यह होता है उन्हें जानकर इसे खत्म करने की चेष्टा करनी चाहिए। दैनिक कोई ना कोई व्यायाम या प्राणायाम करना चाहिए। रात को हल्का भोजन लेना चाहिए। सोने से पहले दूध, मलाई या गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे स्वप्न दोष बढ़ सकता है। स्वप्न दोष के इलाज के लिए आप हमारे द्वारा बताई गई स्वप्न दोष हारी टैबलेट का इस्तेमाल करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। स्वप्न दोष हारी टैबलेट के सेवन की बात करें तो इसे 1 से 2 गोली दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध या पानी से लेना चाहिए या फिर इसे डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। आपको या आपके किसी सगे संबंधी या इष्ट मित्र को स्वप्न दोष जैसी समस्या है तो आप स्वप्न दोष हारी टैबलेट के प्रयोग से इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक दवाखाना नहीं है या फिर आपको उच्च गुणवत्ता की आयुर्वेदिक दवाइयां उचित मूल्य पर नहीं मिल पा रही हैं, तो अब आपको इस बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परम आनंद आयुर्वेद ने देश के प्रत्येक व्यक्ति तक आयुर्वेदिक दवाइयां पहुंचाने का संकल्प लिया है और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। परम आनंद आयुर्वेद आपको दे रहा है फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी देने वाली परम आनंद आयुर्वेद ही एकमात्र कंपनी है। हमारे यहाँ सभी आयुर्वेदिक कंपनियों की हर तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध हैं और हम उनकी उत्तम गुणवत्ता और उचित मूल्य पर विशेष ध्यान देते हैं। यदि आपको बहुत ढूंढने पर भी कोई आयुर्वेदिक दवा हमारे वेबसाइट पर नहीं मिल रही है तो आपको वेबसाइट के होम पेज पर जाकर VIP ऑर्डर फॉर्म में दवाई की डिटेल फिल करके दवाई मंगवा सकते हैं या फिर कॉल करके आप अपनी दवा मंगवा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हम सभी आयुर्वेदिक दवाइयों पर लिखे मूल्य पर 10 से 15% तक का डिस्काउंट भी दे रहे हैं।
इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आयुर्वेद से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आंचल है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड आपको किसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताता है तो उसे इस्तेमाल करने से पहले या खरीदने से पहले एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें कि वो आपकी उस बीमारी के लिए कारगर है या नहीं है, और या उसे किस डोज में लेना है या किस अनुपान के साथ लेना है, ताकि वो जिस बीमारी के लिए या जिस समस्या के लिए आप उस औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अपना असर आपके शरीर पे दिखा सके और किसी प्रकार से आपको नुकसान ना पहुंचाए। आजकल YouTube में भी बहुत सी वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि किसी मेडिसिन या किसी हर्ब्स के लिए होती हैं, लेकिन ये है कि आप वीडियोस देखते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें कि वो औषधि आपकी उस बीमारी के लिए है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज वीडियोस तो देख लेता है और बिना डॉक्टर से सलाह लिए वो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर मेडिसिन ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट के लिए सेफ हो। आखिरी में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई भी औषधि इस्तेमाल करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर ले लें, और अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक आपके नज़दीकी उपलब्ध ना हो तो आप परमानंद आयुर्वेद पर कॉल करके चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं।